हाय जय माता दी, कैसे हो आप लोग? मेरे साथ चाय पी लो, चाय पी लो ना, पी लो पी लो पी लो। मैं बहुत टाइम के बाद व्लॉग कर रही हूँ। मैं जनरली व्लॉग्स नहीं करती हूँ ना, इसके पीछे पता क्या रीज़न होता है? मुझे मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं व्लॉग हर चीज़ करूँ, और क्या दिखाऊँ, घर खाली है मेरा। आप लोगों को मैं क्या दिखाऊँ, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। सो आपको मेरी आवाज़ आ रही हो? कई बार ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर कई बार मैं भावी हो जाती तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए आई होप सो आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। मेरे घर में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो इस वीडियो के पीछे एक स्पेशल रीज़न है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली है जिसमें मैं ड्रेस पहनी हुई हूँ एंड ऊपर से शॉर्ट ड्रेस है, एंड मैंने उस पर वीडियो बनाई है। ठीक है, पीपल आर कमेंटिंग ओवर देयर। ठीक है, पीपल वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। इट्स ओके, आपको जो दिखेगा वो कमेंट करें। मैं लाइट जला देती हूँ, शैडो पड़ रही है मेरे मुंह पे और मैं दाग दिख रही हूँ। ठीक है, दिक्कत क्या, आपको जो दिखेगा वो कमेंट करेंगे और मुझे जो देखना है मैं वो देखूँगी। मैं आप जो मुझे दिखाएंगे मैं वो नहीं देखूँगी। मैं आपको आज अपने एक डिप्रेशन की वो जो स्टेज है ना उसके बारे में बताती हूँ। देखो, मैं उसको सेम लेवल पे जा नहीं सकती आप लोगों को कि मेरे साथ उसी स्टेज पे आ जाओ कि जहाँ पे मैं थी, क्योंकि मैं उतना आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको कुछ होगा नहीं होगा, मैं डिप्रेशन में वापस चले जाऊँगी। एक डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नहीं मिलता यार। कोई भी डॉक्टर कोई भी बोले कुछ भी बोले, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये डिप्रेशन आपने खुद जनरेट किया हुआ है। इसका कोई दवाई सॉल्यूशन नहीं है, इसका आप खुद सॉल्यूशन है। मैं अपने डिप्रेशन की एक स्टेज के बारे में बताऊंगी, जो मैंने 3-4 साल वो डिप्रेशन जिया, उस टाइम पे मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या नहीं फेस किया, मैं मोटे मोटे उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। आप मुझे उस ड्रेस पे कमेंट करें कि आप छोटे कपड़े पहनते हैं और आपके ऊपर ये इम्पैक्ट आता है, आप ऐसी दिख रही हैं वैसी दिख रही हैं। यार मुझे, मैं अच्छी दिख रही हूँ। एक स्टेज एक टाइम था, 3-4 साल का वो टाइम पीरियड था मेरा, अब तो बहुत पहले हो गया है, मानो कि 7-8 साल हो गए उस चीज़ को, है ना? मेरी 18-10 साल की हो गई, 8 साल हो गए उस चीज़ को। मैं शीशे में अपने आप को नहीं देखती थी, मुझे शीशे में अपने आप को देखने से ना गिलान आती थी। मैं आपके पास आऊँ, शीशे में अपने आप को देखने से मुझे गिलान आती थी, मैं यहाँ आ जाती हूँ, पूरा घर तो खाली पड़ा है, कहीं भी बिठवा लो मुझे तो, है? मुझे शीशे में, दूर हूँ मैं आप लोगों से, कैसी कैसी हूँ मैं, है ना? हाँ ऐसे, ठीक है। मुझे ना शीशे में अपने आप को देखने से गिलान आती थी, मैं अपने आप को देखती नहीं थी शीशे में कि कितनी गंदी हूँ मैं। एक अंदर अंदर ना सड़ता आदमी, सड़ रहा होता, स्मेल हो रही होती है, ऐसे स्मेल आती थी मुझे साइकोलॉजिकली। मैं नहाती धोती सब कुछ करती थी, ऐसा नहीं अब आप लोग कहीं कहीं कमेंट में नहाती नहीं थी निशा, तो नहीं, मैं अपने आप से सड़ चुकी थी। मैं शीशे में, मुझे नहीं पता इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, मैं गई भी थी डॉक्टर के पास, मैंने दवाइयाँ भी ली थी, ऐसा लगता था सुसाइड हो जाए। सारे तो हथकंडे किए थे जी, ऐसा नहीं है सारे हथकंडे नहीं किए थे, क्योंकि डिप्रेशन का बीमारी का नॉर्मल लोग इसको बीमारी नहीं मानते ना, नॉर्मल लोग इसको कुछ हवा आ गई होगी ऐसा मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो पूजा पाठ भी बहुत सब दिखाया उल्ट, मतलब मैं पूजा पाठ को नहीं बोल रही, मतलब ऐसे चेक कराया और ऐसे, और मैं मुझे डॉक्टरों के पास लेके गए और डॉक्टरों के पास दिखाया, दवाइयाँ दी, दिमाग को सुन किया, पर मैंने सब कुछ पाया। अपने बच्चों के लिए मैं ही करती थी, किसी ने कभी भी मुझे 2 रुपए ला के ये नहीं कहा कि जा बेट जा भाई, ये बच्चों की फीस दिया, बच्चों को पैदा किया है मैंने, किया है मेरी ड्यूटी है। मैं यहाँ पहले 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 एक बात ये बताना चाहूँगी, भाई माँ बाप का मतलब सेक्स करके बच्चे पैदा करना नहीं होता, माँ बाप का मतलब बच्चों के लिए ड्यूटी पूरा करना होता है। माँ बाप का मतलब है कि आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, आप वो ड्यूटी पूरी करोगे। मेरी माता रानी का करम है कि मैं अपने बच्चों के लिए ड्यूटी पूरी करती हूँ, पर क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मैं नहीं सोच सकती अपने बारे में, सॉरी, पर कहीं मैं पहुंच गई थी, इसलिए मैं ज्यादा डिप्रेशन की बातें नहीं बताती आप लोगों को, मैं उधर पहुंच जाती हूँ। मैं अपने डिप्रेशन से फाइट ऑफ करके यहां तक पहुंची हूँ, ठीक है? डिप्रेशन का कौन कहता इलाज नहीं है, कौन
कौन सा डॉक्टर ऐसा बोलेगा, कौन सी थ्योरी बोलेगी डिप्रेशन का इलाज नहीं है। तो निशा लंबा कहते हैं डिप्रेशन का इलाज है, इंसानों का इलाज नहीं है, और डिप्रेशन का इलाज कोई और नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी किसी और ने दी नहीं, मुझे डिप्रेशन किसी और ने नहीं दिया, मैंने खुद लिया है, मैंने अपने आप को खुद खराब किया है, मैंने अपने शरीर को खुद खराब किया है, मैं अपने आप से खुद गली हूं, किसी ने मुझे गलाया नहीं, मैं खुद गली हूं भाई, मैंने अपने बच्चों को खुद पैदा किया है, मैं उनको खुद पालूंगी। सॉरी, मैं पहुंच जाती हूँ वहां पर, मैंने वो लाइफ जी है। इट्स वेरी टफ फॉर मी टू एक्सप्लेन द डिप्रेशन स्टेज। तो हम यहाँ थे कि मुझे अपने आप से गिलान आती थी, आई डोंट लव माई सेल्फ, मैं नहीं करती थी। अब तो मैं सेल्फ लवर हूँ, तभी मेरा ये डायलॉग है, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, अपने आप से प्यार करना स्वार्थ नहीं, ठीक है। तो मैं चलती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे लोग, मैं बैठती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कई लोग मजाक नहीं उड़ाते थे तो ज्ञान देने आते थे। अरे जो ज्ञान तुम दे रहे हो उस परमात्मा ने वो बुद्धि मुझे भी दी है, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यू हैव टू फाइट विद योर माइंड, ठीक है। जो इंसान उस गिलान में रहता है कि मैं खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे अपने आप से स्मेल आती है, आई डोंट लव माई सेल्फ, मैं नहीं कह रही मैं दुनिया की हसीन औरत हूँ, पर मेरे से ये देखो मेरी आंखों से कि निशा तू वो ही है, तू कितनी खूबसूरत हो गई है। मैं आपको नहीं कहती कि मैं सबसे खूबसूरत, मैं अपने आप से कहती हूँ कि मैं सुंदर हो रही, मैं हो जाऊंगी, मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी। मैं आपको नहीं कहती कि मुझे खूबसूरत कहो, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ है यार, मैं मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे हैं, कोई आदमी नहीं है, ना मैं आदमी रखती और ना कोई औरत है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दोस्त है, ना कोई आदमी है, ना कोई औरत है, और ना मुझे कोई चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मेरे माँ बाप की एक इच्छा है कि अपने बच्चों का ध्यान रख और तू खुश रह, ठीक है। मेरे बच्चों की ड्यूटी मैंने पैदा होने से पहले से ही कर रही हूँ, जिस दिन मेरे पेट में मेरे बच्चे पड़े उस दिन से मैं अपनी दवाइयों का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा, आज तक अपना एक एक खर्चा कर, और मेरी माता रानी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं मरते दम तक करूंगी, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी को पता है हमारी मम्मी वीडियो बनाती है, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है वीडियो बनाना। मैं यहाँ पे भी अपने बच्चों को एक बात समझाना चाहूंगी, मेरी भी बेटियां हैं, मैं उनको एक बात समझाना चाहूँ, ये जिंदगी है, वक्त का पता नहीं कि मैं कब कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, पर मैं आपको एक बात बता दूँ बेटा, ये जिंदगी है, भगवान ने आपको दी है, आपको जीनी है। एक ही जिंदगी में एक चीज का याद रखना, वो जो शीशा होता है ना उसके अंदर आंख से आंख मिला के देखना, जब आपकी आंख मिलनी बंद हो जाए तो आपने गलत कर दिया, और जब आपकी आंख नहीं मिलनी बंद हो ना आपको ठीक लगे तब तक आप गलत नहीं हो बेटा। और ये यहाँ पे बैठी हुई सारी बेटियों को बोलूंगी मैं, और सारे बेटों को भी बोलूंगी भाई, मैं जिंदगी में मैं छोटे कपड़े पहन के मुझे नहीं लगता कि मेरी आंख से आंख नहीं मिलती, मैं तो खुश होकर और वीडियो बनाती हूँ। तो भाई आप कपड़े से कैसे किसको जज कर देते हो यार, और अगर आप करते भी हो तो करते रहो भाई, मैंने तो अपना अपनी बात बोल दी, जिन बहनों को दिक्कत हो, मैं अपने आप को खूबसूरत फील करती हूँ, मेरे से मैं जानती हूँ मैंने अपने आप को किस स्टेज से कहाँ तक लेके आई हूँ,
ठीक है, और अभी मेरी स्टेज में वहां पहुंची नहीं, मुझे बेहद खूबसूरत होना है, बेहद खूबसूरत, जितनी मैं भद्दी थी ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत होना है। जो परफेक्ट इंसान होता वहां पे जाके मरूंगी मैं, और तब मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि मैंने वो जिंदगी मैंने जी है, ठीक है, किसी और ने नहीं जी है। मुझे अपने आप से गिलान आती है, किसी और को नहीं आती थी। वो आती भी थी तो हंसते थे मेरे पीठ पीछे, सामने ओ निशा पीठ पीछे कैसी सड़ रही है, अब सामने ओ निशा पीठ पीछे हाय कैसी कितनी ऊपर हो गई, हाय कैसी जी रही है, अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती है। मुझे किसी को नहीं जलाना भाई, मेरे से अगर किसी को जलन हो तो भाई मैं पहले ही पाँव पड़ के आपकी माफ़ी मांग लूँ। मुझे तो बस ये जिंदगी को जीना और खुल के जीना। मेरे बच्चों की ड्यूटी मैं पूरी करती हूँ, उसमें मैं पीछे नहीं हटती हूँ, अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। अपने माँ बाप को मैं अपनी तरफ से तो कोई दुख नहीं दे सकती, देना चाहती, पहुंच जाए तो माफी, पर मैं अपनी जिंदगी तो जीऊंगी ना। मैंने जो मेहनत कर रही हूँ अपने शरीर पे, अपने ऊपर जो मेंटल फिजिकल टॉर्चर मैंने पाया है, और जो इसको पाने के लिए मैं और मेहनत कर रही हूँ, उस मेहनत पे तो मुझे पता है ना मैंने वो मेहनत की है, मुझे पता ना मैंने वो दर्द बर्दाश्त किया है, मुझे पता ना मैंने वो तड़प बर्दाश्त की है, किसी और को नहीं पता। तो जब मैंने मेहनत की है तो मैं मजा भी मैं ही लूंगी ना। किस लिए किया मैंने वो मेहनत? अपने आप को उस गिलान से निकालने के लिए करती हूँ ये मेहनत। तो जब मैं अपने आप को गिलान से निकालने के लिए मेहनत करती हूँ तो मैं उसको एंजॉय भी मैं करूँगी। मेरे साथ जिसको करना करे, जिसको नहीं करना ना करे। बहुत सिंपल भाषा में मैंने अपनी ज़िंदगी का वो कड़वा सच देखा है। मैं ये नहीं कहती कि सबसे ज़िंदगी का सबसे गंदा कड़वा सच, मेरे से भी ज़्यादा दुख लोगों ने दिए चुके होंगे, मैं सबको नहीं जज कर सकती भाई, मैं अपने आप को देख सकती हूँ। मैंने जो जहर पिया है उसको मैं ही निचोड़ के निकालूंगी, और निचोड़ के जिस दिन निकल जाएगा ना पूरा मेरी लाइफ का, उस दिन खड़ी होके नाच के बोलूंगी आज निकल गया भाई, आज अपने आप को कोई गिलान नहीं, आज हम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। हम बोलेंगे बताओ जी क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, और जिस दिन मुझे लगेगा ना मैं परफेक्ट बॉडी में होगी, बिकनी भी पहनूंगी, वो तो ये ब्लडी हेल यू आर टू टेल एनीवन व्हाट यू हैव टू वियर और व्हाट यू डोंट हैव टू वियर। इट्स माय लाइफ बड़ी, इट्स माय लाइफ, मेरी जिंदगी। मैं किसी भी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। हाँ उस दिन मैं गलत होंगी जब मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी, उस दिन मैं गलत होंगी, और वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मरते मरते भी अपने बच्चों की बन के मरूंगी, मैं और इंसानों की तरह नहीं हूँ, ठीक है, पर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगी मैं। मुझे कोई नहीं समझाएगा कि कैसे जीनी है कैसे नहीं जीनी है। जब तक मैं गलत नहीं हूं तो मैं गलत नहीं हूं। कड़वे बोला माफ करो भाई जिसको बुरा लगा, सच बोला। हम नहीं बोलेंगे भाई आपको मीठी थाली में हलवा नहीं दे सकती जब आप मुझे डंडा दोगी तो, मुझे मीठा प्यार दोगे तो मैं भी प्यार दे पाऊंगी, और मुझे अगर तुम जहर दोगे तो वही थाली को घुमा दूंगी तुम्हारी तरफ, लो खाओ ना तुम भी खाओ, खाओ ना पहले तुम खाओ, तुम पे है तो मुझे प्यार दोगे तो मैं भी दे दूंगी भाई, और एक बार थाली में जहर डाल के देना पहला टुक तो मैं ही खिलाऊंगी। मैं इंसान हूं भगवान नहीं हूं, बिल्कुल क्लीन इंसान हूं, सच सच है ये। प्लीज सॉरी फॉरगिव मी इफ आई हर्ट यू, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं है, मेरी आईडी में सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ हैं कुछ अपना ज्ञान मार्तक बांटते,
खुद भगवान का फोटोग्राफ लगाते और दूसरे को अपने अपना नहीं देखेंगे। भगवान तुम्हें ये तो नहीं कह रहा कि जाओ दूसरे दूसरे एक एक लेडी है भगवान की फोटोग्राफ लगा के और बैठी हुई है और मेरे को गंदी गंदी गाली दे रही। भगवान कोई कहता है यार जब तुम जाओ किसी को गाली गलौज करो? कहता कोई भगवान किसी को? अरे तुम भी यार कैसे हो, कैसे भगत हो तुम? तुमसे तो अच्छी मैं कच्ची भगत ही ठीक हूँ। कच्ची भगत का मतलब अपना भगवान का नाम लिया, दुनिया में किसी को ना छेड़ा, अपना काम किया। भैया मेरे को छेड़ो तो मैं यहाँ पे ऐसे मैं स्टोरी लगा बना बना के लोगों को बोल रही थी। मैंने कहा ना भाई, दो मिनट में ना समझ वहाँ है, इसलिए यहाँ यूट्यूब पे समझा रही हूँ। किसी की जिंदगी है उसको रहने दो उसके टर्म्स में।